महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में ईडी की एंट्री, शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने भेजा समन, कल पेश होने का दिया आदेश, जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। ईडी के समन पर संजय राउत का बयान, बोले उनका सिर भी कलम कर दिया जाए तब भी वो गुवाहाटी का रास्ता नहीं लेंगे, मुझे रोकने के लिए की गई है बड़ी साजिश। संग्राम के बीच महाराष्ट्र सरकार ने दिखाए तल्ख तेवर, सीएम उद्धव ने बागियों के खिलाफ लिया एक्शन, बागी मंत्रियों से छीने गए विभाग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का सियासी संग्राम, शिंदे गुट ने नई याचिका की दाखिल, बताया जान का खतरा, याचिका में दावा महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर अब एमवीए सरकार का नहीं है कंट्रोल। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई, आमने सामने हरीश सालवी और अभिषेक मनु सिंह भी, 16 बागी विधायकों ने अयोग्य घोषित किए जाने पर दायर की है याचिका। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बीच बीजेपी ने सरकार बनाने के दिए संकेत, महाराष्ट्र के अफसरों पर भड़के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, बोले हम 2 से 3 दिन ही विपक्ष में हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन, यशवंत को मिला 17 विपक्षी दलों का समर्थन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार रहे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष हो रहा मजबूत, टीआरएस ने भी यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का किया ऐलान, यशवंत सिन्हा का एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है मुकाबला। पंजाब में मुफ्त बिजली को लेकर आप सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से मिलेगी मुफ्त बिजली, भगवंत मान सरकार ने पहला बजट किया पेश, 30 जून तक चलेगा सत्र। देश में डराने लगे कोरोना के आंकड़े, लगातार संख्या में हो रहा है इजाफा, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,073 केस आए सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 की बैठक में की 600 अरब डॉलर की परियोजना की घोषणा, गरीब देशों के विकास के लिए किया जाएगा निवेश, भारत को भी मिल सकता है फायदा। पाकिस्तान में बढ़ रही आतंकवाद की घटनाएं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व पीएम इमरान खान को ठहराया जिम्मेदार, कहा खान सरकार ने नहीं किया नेशनल एक्शन प्लान को सही तरीके से लागू। मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत नहीं, WHO बोला काबू पाने के लिए कदम उठाने की जरूरत। यूक्रेन पर हमले का आदेश देने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे पहली विदेश यात्रा, इस सप्ताह मध्य एशिया में 2 पूर्व सोवियत राज्यों का करेंगे दौरा, फरवरी में की थी आखिरी विदेश यात्रा। श्रीलंका में खत्म होने की कगार पर पेट्रोल डीजल, मंत्री ने मांगी माफी, श्रीलंका के स्कूल अस्पताल प्रभावित। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुने जाने के हकदार हैं उमरान मलिक, पूर्व कप्तान दिलीप मैंगसरकर ने कहा उमरान मलिक पहले ही IPL के दौरान अपनी तेज गेंदबाजी से खुद को साबित कर चुके हैं और अब टीम प्रबंधन को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका देना चाहिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो N आज होगी लॉन्च, कुल 36 वेरियंट में होगी पेश, ह्यूंडई क्रेटा जैसी SUV से मिलेगी टक्कर। सोने चांदी के दामों में तेजी, सोना फिर हुआ 51,000 के पार तो चांदी भी 1,157 रुपए हुई महंगी। फिल्म जुग जुग जियो ने जीता फैंस का दिल, पहले ही दिन 9,28,00,000 की थी कमाई, बॉक्स ऑफिस में इस साल की बनी 5वीं हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्म। मां बनने वाली हैं आलिया भट्ट, हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेगनेंसी, लिखा हमारा बेबी जल्द आने वाला है।